ऑनलाइन एक ऐसा बदलाव जो हमारे साथ रच बसा गया है, लेकिन इस वक्त जो कुछ भी ऑनलाइन है क्या वो काफी है या फ्यूचर में हम उससे मीलों आगे जाने वाले हैं? ऐसा क्या है जो ऑनलाइन हो जाएगा और जिसके बारे में हमने आपने सोचा भी नहीं? जी हाँ, रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा जी ने भविष्य में जाकर जरूर देख लिया है कि क्या कुछ ऑनलाइन होने जा रहा है। आज आप भी उससे रूबरू होने का सौभाग्य हासिल कीजिए। मैं तो भी आखिर कर रहा था, तो रहा कर दिए ऑनलाइन शादियां हो करने लगे आप। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, हम मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते। अब शादियां ऑनलाइन होती, लेकिन भविष्य में बच्चे भी ऑनलाइन पैदा, मोबाइल में मोहब्बत करते हैं, उसी में आहें भरते हैं। रुकिए जनाब, थोड़ा ठहरिए, ये तो बस ट्रेलर है। रीवा से सांसद जनार्दन मिश्रा की अनोखी भविष्यवाणी में मसाले अभी और भी हैं और क्लाइमेक्स तो अभी पूरा का पूरा बाकी है। लेकिन लोग कहते हैं कि पति और एकदम मुंह दक्षिण की ओर होता है, एकदम उत्तर की ओर होता है, अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। माफ कीजिए, सांसद महोदय भरी महफिल में खुल्लम खुल्ला अनसेंसर्ड है, लेकिन हमें कुछ सेंसर भी करना होगा, सो हमने कर दिया। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी, मैंने किसी पति पत्नी मांगने का प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एकदम मुंह दक्षिण की ओर होता है, एकदम उत्तर की ओर होता है। मिश्रा जी के बाकी भविष्य ज्ञान से रूबरू कराने से पहले बता दें कि साहब रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज के मंच पर थे। कॉलेज के 60 साल पूरे होने पर बोल रहे थे। हीरक जयंती समारोह में जानी मानी हस्तियों, टीचर्स और स्टूडेंट्स का ज्ञान वर्धन कर रहे थे। सबको उसकी पीढ़ियों का भविष्य दर्शन कराकर आगाह कर रहे थे। 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में आज गूंज रहा था। कमाल, अद्भुत माहौल है। सांसद महोदय के मन में नायाब विचार गूंज रहे थे और समारोह ठहाक। कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल भी मौजूद थे। शायद महामहिम ने भी नहीं सोचा होगा कि इस मौके पर इतने महान ज्ञान से उनका साक्षात्कार होगा। अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा? मौका ही जुबानी वारदात पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला और उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी थे, लेकिन सांसद जनार्दन मिश्रा की ये शिक्षा अकल्पनीय और अद्भुत रही। ये 63 मिनट में बोलना है तो एक चीज हमारे जो भी बैठे बैठे कल्पना में आ रही थी कि ये 60वां वर्ष का तो मना रहे हैं, लेकिन 60 साल आगे क्या ये विद्यार्थी के रूप में आप यहाँ पर कॉलेज में 60वें साल में जो आदमी आएगा वो 60 साल के रूप में क्या छात्र के रूप में कॉलेज में उपस्थित रहेगा? क्या जो मास्टर आचार्य हैं, प्रोफेसर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो AI प्रिंसिपल तो नहीं होंगे, मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी प्रिंसिपल? ये सवाल हमारे मन में आज गूंज रहा था। ये छात्र इकट्ठा होंगे विद्यालयों में कि नहीं होंगे? प्राचार्य और मास्टर विद्यालय के मनुष्य रहेंगे कि मशीन रहेगी? आज ये सवाल दुनिया के सामने है, आपके सामने है। आपके बनाए हुए हथियार हैं, आपके बनाए हुए औजारों से आज पति और पत्नी, जानता नहीं मैंने किसी पति पत्नी के प्रयास नहीं किया, लेकिन लोग कहते हैं कि पति और पत्नी एकदम मुंह दक्षिण की ओर होता है, एकदम उत्तर की ओर होता है, अब मोबाइल से मोहब्बत करके उसी में आए भरते हैं। तो ये आपका बनाया हुआ यंत्र है जिसमें पति पत्नी को
एक दूसरे के सामने मुंह करने के बजाय एक दूसरे के विपरीत दिशा में मुंह कर दिया। मैं तो अभी आश्चर्य कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये ऑनलाइन शादियां हो करने लगे आप, अब 50-60 साल बाद ये ऑनलाइन बच्चे जब पैदा होंगे तो बच्चा, वो ऑनलाइन बच्चा स्टील का बच्चा होगा या मांस और हड्डियों का बच्चा होगा। अपने बयानों के लिए रीवा के सांसद जनार्दन मिश्रा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, एक बार फिर है। लेकिन इतना तो मानना ही होगा कि सांसद महोदय ने हम सबको ऑनलाइन रोग के बड़े खतरे के प्रति अलर्ट किया। ये अलग बात है कि इस खतरे के जन बाय प्रोडक्ट्स को हम देख पा रहे हैं, वो आप, हम और रीवा इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद सम्मानित तमाम मेहमान देख पा रहे हैं या नहीं। NDTV के लिए रीवा से जावेद अंसारी की रिपोर्ट। सागर जिले में सार्वजनिक लक्ष्मी महोत्सव समिति दिवाली से 11 तक तिलकगंज वार्ड में मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा विधि विधान से विराजमान करती है। नवरात्रि की तरह मां लक्ष्मी की 10 दिन तक पूजा की जाती है, धूमधाम से धार्मिक उत्सव मनाया जाता है। लोगों के मुताबिक करीब 50 साल पहले इलाके में खेत और इमली के पेड़ हुआ करते थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की अपडेट्स के लिए बने रहिए NDTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।